महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी बात इसी के साथ मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने मुझे पता था कि आठ का ग्रह उनकी गरिमा पे है, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि सर थोड़े से कम से कम बोलिएगा, क्योंकि आपने गरिमा लिखी है तो आप बहुत ज़्यादा बोले लगेंगे और बच्चों का जो है उनकी सीमाएँ थोड़ी से बैठने की समाप्त होने लगेगी, इसे इसके लिए क्षमा करिएगा। आपने सर बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, आपने जो बताई मेरी भी बात है बहुत अच्छा लगा सर। निर्विवाद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप एकल आप कुर्सी में बैठे हो तो भी कम ज्ञान में हो सकता है, इस तरह से अगर जो पूरे राष्ट्र को चला रहा है, यदि वो निर्विवाद है तो यही अपने आप में बहुत बड़ी गरिमा है। उनके लिए मैं आप के साथ सबके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए मैं हृदय के अंतस्थल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब सही में प्राचार्य जी को चाहती हूँ, प्राचार्य जी आप मंच में आए और दो सप्ताह पास वल्लभ भाई पटेल की दे सर महोदय आप मंच पे। धन्यवाद डॉक्टर सीमा सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज बंधु, सामने बैठे प्राध्यापक बंधु, प्रिय छात्र और छात्राओं, आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने। उसके दो कारण, पहला तो ये कि एक दिन पहले मैंने अपने समिति के संयोजकों से बताया कि ऐसा कार्यक्रम आ गया है आपको करना है, और इतना बढ़िया आयोजन हो गया। दूसरा उससे बड़ी प्रसन्नता यह है कि हमारे छात्र छात्राओं ने, जिनको कल ही पता चला कि आज उन्हें भाषण भी देना है और पोस्टर भी बनाना है, इतना बढ़िया भाषण और इतना रिच कंटेंट, इतनी बढ़िया प्रस्तुति के साथ आपने यह कार्यक्रम आज संपन्न किया कि आपको जितनी भी आपकी तारीफ की जाए, आपको धन्यवाद दिया जाए, आपको बधाई दिया जाए, सब कम है। और जहाँ तक हमारे प्राध्यापकों की बात है, उनकी योग्यता, उनकी ऊर्जा, उनके कौशल, उनके समर्पण के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। उनसे जब कहिए, जिस विषय पर कहिए, वो हमेशा बोलने को तैयार है। यह मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि ऐसे प्राध्यापक आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन करें। मुझे पटेल जी पर अब कुछ बोलने को बचा ही नहीं है, क्योंकि उससे अधिक मैं कुछ जानता ही नहीं जितना आपने बता दिया। मैं सिर्फ एक दो बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम किसी का जब जन्मदिन मनाते हैं, जब हम किसी को याद करते हैं, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है। पटेल जी लौह पुरुष थे, भारत के बिस्मार्क थे, बहुत अच्छे स्टेट्समैन थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, यूनिफायर ऑफ इंडिया थे, भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक थे, सब कुछ थे, सो व्हाट। तो क्या आखिर यह जान लेने से क्या फायदा है? यह सब हम इसलिए जानते हैं कि इस कद का व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर कितना विनम्र है और आवश्यकता पड़ने पर कितना दृढ़ है और जरूरत पड़ने पर कितना आक्रामक है, अर्थात सभी गुणों का एक समुच्चय है वह व्यक्ति। तो आपको ऐसे कैरेक्टर का अनुसरण करने की जरूरत है, ऐसे चरित्र को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जब आप एकता दिवस की बात करते हैं,
तो आपसे बताएं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर हमारे आपके ऊपर कुछ है तो सिर्फ इस बात की है कि आप इस देश को एक समझें, समझें नहीं एक ही जैसा होने का व्यवहार करें। व्यक्ति हो, प्रकृति हो, पर्यावरण हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, ये सभी जो इस भूभाग में रहते हैं जिसको आप देश कहते हैं, जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उन सब के प्रति जब तक आपके मन में अपने जैसा व्यवहार नहीं होगा, सबके प्रति आपके मन में समान भाव नहीं होगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, और अगर एक शब्द में कहें तो जब तक आपके मन में पशु पक्षी और इंसान से केवल प्रेम नहीं होगा, बिना यह जाने कि वह पशु पक्षी कौन है और वह इंसान कौन है, तब तक आप देश की एकता पर भाषण चाहे जितना करें, देश की एकता को आप सुरक्षित नहीं कर सकते या उसे मजबूत नहीं कर सकते। आप सब जहाँ पर हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ कि सभी जिम्मेदारियों का सिर्फ एक उपाय है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होइए। जो आपको कर्तव्य आवंटित है सिर्फ वही करिए, यही राष्ट्र की सेवा है, यही देशभक्ति है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कभी कभी मैं पूछता हूँ कि बहुत अच्छा डॉक्टर कहता है कि चुनाव लड़ रहे हैं विधायक बनने का, क्यों? कहता है समाज सेवा करने के लिए। मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि डॉक्टर बन करके क्या समाज सेवा कम कर रहे थे कि नेता बनने की जरूरत है। तो बस बेसिक सा प्रश्न है, जहां हो वहां पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से, और उसमें देश का कितना हित हो रहा है, बस इस पर फोकस करो। सिर्फ इस पर ध्यान दो कि तुमने समाज को क्या क्या दिया, समाज ने तुम्हें क्या क्या दिया, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर सिर्फ इतना शपथ लेना ही कि हम देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, बंधुत्व, अपनेपन, इन सब के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे कि हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। किस कुछ करना देखो कठिन है, कुछ करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ बुरा न करना तो सबके हाथ में। तो इसलिए अगर आज तुमने यह शपथ ले लिया कि हम कुछ भी इसके खिलाफ नहीं करेंगे, तो भी एकता हो गई, तो भी राष्ट्र सेवा हो गई, तो भी राष्ट्रप्रेम हो गया। बहुत कुछ करना ही जरूरी नहीं है, जैसे किसी की मदद नहीं कर पाते हो, जैसे किसी की साइकिल पंचर है, तुम उसको 10 रुपया पंचर बनाने का नहीं दे पा रहे हो, चलो ये तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन यह तो बस में है ना कि उसकी ट्रिप्स का टायर पंचर मत करो, यह भी राष्ट्रप्रेम ही है। जहाँ हो, जो संपत्ति है, सरकारी है, जैसी भी है, जहाँ है, उसको तुम बना नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बनी है तो बिगाड़ तो नहीं सकते ना, चाहो तो तुम इस पर फोकस करो कि तुमसे बिगड़ कितना रहा है, बन कितना रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के दिन अगर हम यह तय कर लें कि हम कुछ बिगड़ने नहीं देंगे अपने माध्यम से, चाहे विद्यालय हो, समाज हो, राष्ट्र कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि तुमने यह काम किया तभी राष्ट्र की सेवा हुई, ये पूरा का पूरा देश, इसमें रहने वाले लोग, ये सब जब मिल जाते हैं तब राष्ट्र बनता है। तो तुमने अपने गांव में, अपने घर में भी अगर एक छोटा सा काम कर दिया तो राष्ट्र सेवा ही है। ऐसा नहीं तुमके स्कूल तुमको दिल्ली जा करके संसद में बैठना पड़ेगा तब राष्ट्र सेवा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने एक आदमी को बस पर चढ़ने में सिर्फ मदद कर दी, यही राष्ट्र सेवा है भाई। छोटे से छोटा काम तुम करके राष्ट्र सेवा कर सकते हो, बहुत बड़ा सीधे कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन आपने बहुत अच्छे से इस दिन को सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से मनाया, आपने इतना बढ़िया भाषण दिया। भाषण देते समय इसलिए भी भाषण प्रतियोगिता मैंने जानबूझ करके रखा था कि भाषण देने में कई चीज़ें एक साथ शामिल हो जाती हैं, जैसे आपका मंच के साथ जो भय है,
वह ख़त्म हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी हो जाती है, आप कंटेंट बढ़िया तैयार कर लेते हैं तो आप विषय भी जान जाते हैं, और मंच पर बार बार आने जाने से आपके अंदर जो आपकी क्षमता है बोलने की, जो आप में कॉन्फिडेंस है, जो आपका तालमेल है आपके बॉडी जेस्चर का, आपके दिमाग का, आपके जबान का, कि जो चाहे आप वही निकले। कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी में बोलना कुछ चाहते हैं और आप मंच से बोल कुछ चाहते हैं, लिख कर आप लाए थे दूसरी शायरी और जब बोलना शुरू किया तो तीसरी बोल गए, और जब घर पहुंचे तब ध्यान आया अरे ये तो रही गया, ये तो मैंने बोला ही नहीं सबसे अच्छा वाला था। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हम यहाँ स्थिर नहीं हैं, यहाँ आकर के हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम सोच कर आराम से बोलने में डर रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये लेकिन बार बार करने से आता है। स्टेज फियर दुनिया के 100% आदमी को है। रिसर्च बताती है कि स्टेज पर जाने से सबको डर लगता है, वो चाहे इतना बड़ा नेता हो, जितना बड़ा अधिकारी हो, जितना बड़ा मंत्री हो, इससे मतलब नहीं, डिग्री का डिफरेंस है। जैसे मुझे 2% डर लगता है, मैडम को 1% लगता होगा, आपको 20% लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लगता नहीं है, सबको लगता है। इसलिए आपको लगता है तो डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का मतलब चोरी बार बार करो थोड़े अच्छे चोर हो जाओगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छे काम करने वाले बनोगे। तो आपने आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न किया, आपको एक शपथ लेनी है और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हमारे NCC के प्रभारी कैप्टन SB सिंह जी दिलाएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मंच सीमा जी को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।